दोस्तों इस वक्त हम हमारे गुरुजी 1008 सिद्ध योगी हरिनाथ बाबू के आश्रम में हैं और यहाँ पर मौसम बहुत ही बढ़िया हो चुका है, बाहर बरसात चल रही है, तो हमने सोचा बापू से ज़रा कुछ सवाल कर लें। तो बापू से हम ये जानना चाहते हैं कि आजकल ज़्यादातर लोगों को या तो मन का दुख है, या तो धन का दुख है, या तो तन का दुख है, तो इन तीनों दुखों से हमको निजात पानी तो बापू क्या करना चाहिए? हमको धन पाना है तो अपना मगज मेमोरी से धन को खींचना है, जो अपन कर्म करेंगे उसी में से पैसा आने वाला है। और तन का सुख है तो इंसान अपना ही खुद मित्र है और खुद अपना ही दुश्मन है, अपने विचारधारा द्वारा ही वो दुखी होता है। किसी से पंगा लेगा तो दुखी होने वाला है और किसी से अच्छा व्यवहार करेगा तो वो सुखी होने वाला है। इसलिए और कोई मन से दुखी एक दूसरे को मगज में टेंशन लेके बैठ गया, वो इतना पैसे वाला क्यों हो गया, तो उसको बाजू वाले को तकलीफ खड़ी हो जाती है। बरोबर, ये तन मन धन ये अपने मन से ही दुखी है और मन से ही सुखी है। मैंने तो ऐसा अनुभव किया ना, हमारे भागवत गीता में भी शपथ लिखा हुआ, आदमी आदमी का खुद का शत्रु बन जाता है विचारधारा द्वारा। किसी को पूछे भी किसी के मगज में कोई चीज़ ले लेगा, पहलू खराब है, पहलू खराब है, तू कितना खराब हो तो तेरे को पता ही नहीं। तो बापू यानी कि आपके कहने का मतलब है सारा का सारा खेल मन का है? हाँ, मन ही ईश्वर है। तो ये फिर मन को ठीक करने के लिए क्या करेगा आदमी? हाँ, मन को ठीक करने के लिए एकाग्र करनी है, एकाग्रता। हाँ, बुरी विचार को बाहर निकालना है और अच्छे विचार को अपने अंदर लेना है। अच्छा, अच्छे विचारधारा द्वारा ही हम सुखी हो सकते हैं। हर पल हर बार काम करते हुए चलते हुए मनोविचार को चंचलता से रखो, हंसते रहो, विचार हो, किसी के प्रति वैर मत रखो, अपने धंधे से मतलब रखो, ठीक है, तो कोई किसी का शत्रु नहीं होगा। शत्रु कब होता है? एक दूसरे को बोले ईर्ष्या करने से, कमा तो बाजू वाला खा रहा, तू क्यों ईर्ष्या करता, उसे ठीक ना तुझे, ठीक है। सही बात है बाबू। तो ये सब मनोविचार का खेल है और ये मन ही एक ऐसा चीज है उसी में ईश्वर बसा हुआ है। यानी कि आदमी को अपने मन के ऊपर ही काम करना चाहिए। हाँ जी, तो फिर वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा, कर सकता है जो भी चाहता है, जो चाहे वो कर सकता है। मोदी ने नहीं कहा एक बार तुम मगज में ले कोई चीज़ को तुम्हारा कार्य होता है। चलो बापू, धन्यवाद, आदेश।